Very good evening to you all. Education with Entertainment classes welcomes you all here. And today, I would like to make you sure about the rules of direct to indirect changes. तो यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ कि narration को किस rule के तहत हम direct से indirect में change करें. पिछले video में मैंने बताया था वो narration होता है कि उसके kinds हैं, है ना, किसको वो inverted comma कहते हैं, reporting speech क्या होता है, reporting verb क्या होता है, मैंने सब कुछ बताया. और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के कुछ नियम कानून, उसको आप ध्यान में रखें. तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल, चेंज ऑफ इन्वर्टेड कॉमा, पहले इन्वर्टेड कॉमा को चेंज करेंगे. चेंज ऑफ पर्सन, सेकेंड में पर्सन का चेंज होगा. चेंज ऑफ टेंस, फिर टेंस का चेंज करेंगे. और चेंज ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब की चेंजिंग होगी. एंड चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, इस तरीके से आप चेंज करेंगे. तो मैंने ये कुछ यहाँ पर लिखा है, इन्वर्टेड कॉमा इज जनरली चेंज्ड इनटू दैट. इन्वर्टेड कॉमा को जनरली आप दैट में बदल देते हैं. इन्वर्टेड कॉमा जैसे ही इनडायरेक्ट में हटेगा तो वहां पे दैट हो जाएगा. और नेक्स्ट में क्या है कि चेंज ऑफ पर्सन है. चेंज ऑफ पर्सन में क्या है कि पर्सन तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन. तो यहाँ पे मैंने एक रूल लिखा कि पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू दिस रूल. इस रूल के अनुसार हम पर्सन को चेंज करेंगे. एस ओ एन 1 2 3, S for subject, O for object, N for no change. और ये 1 2 3 क्या है? First person, second person and third person. तो first person किसके अनुसार बदलेगा? Subject के अनुसार, according to subject. Second person किसके अनुसार बदलेगा? Object के अनुसार. और third person के लिए no change होगा. I को first person कहते हैं. Yes, मैं यहाँ बता रहा था कि आप inverted comma को वो किस तरह से that लगाएंगे. और ये person change में S O N 1 2 3 आता है. तो S for subject, O for object, N for no change. और ये 1 2 3 क्या है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं होता है. ये रूल है. एंड जस्ट आई वुड लाइक टू टेल यू, एजुकेशन विद एंटरटेनमेंट क्लासेस, जैसा कि आप लोगों को इस तरह का मतलब बार बार वीडियो बना करके शेयर कर रहा है. और ये आप लोगों से रिक्वेस्ट करेगा कि प्लीज आप इस चैनल को जितना से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें. और जो प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में आप डालें, क्या यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, मैं सबका कमेंट पढ़ूंगा और मैं उसका फिर से निवारण भी करूंगा. इसलिए आप इस चैनल के साथ बने रहें, अपने लोगों को जोड़ें, ताकि मैं सभी लोगों को अच्छे तरीके से इंग्लिश सिखा सकूं. और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय. वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल. एजुकेशन विथ एंटरटेनमेंट क्लासेस वेलकम्स यू ऑल हियर. एंड टुडे आई हैव ब्राउट रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट. आप देखोगे कि मैं बताया कि इन्वर्टेड कॉमा जनरली दैट में चेंज हो जाता है. पर्सन चेंज एस ओ एन 1 2 3 के अनुसार होते हैं, ये मैंने बता चुका है. और मैं बताना चाहूंगा कि चेंज ऑफ टेंस में क्या होगा. इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच. यदि रिपोर्टिंग वर्ब जो सेज टू होता है, से टू होता है, यदि वो प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हुआ तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी तब्दीली, कोई भी चेंजिंग नहीं करना है. करना क्या है? से टू विल बी टेल, से टू रहेगा तो टेल हो जाएगा, सेज टू है तो टेल्स हो जाएगा, है ना, इस तरीके से चेंज है. द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल नॉट बी चेंज. और यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच के जो टेंस होगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में हो. जैसा कि मैंने एक एग्जांपल लिया है, सी सेज टू मी यू हैव अ पेन. तो सेज टू प्रेजेंट टेंस का है ये, इसलिए क्या है कि रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के वाले के बाद वाले सेंटेंस में कोई टेंस की तब्दीली नहीं करनी है. तो यहाँ पे सेज टू का टेल्स किया मैंने, सी टेल्स मी, इन्वर्टेड कॉमा को दैट किया. एंड यू सेकेंड पर्सन था, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा. तो यहाँ पे यू की जगह आई हुआ, क्योंकि मी का सब्जेक्ट आई होगा, यहाँ पे आई टेंस नहीं बदलना, तो हैव ही रहेगा आई के साथ, आई हैव अ पेन. तो इस तरीके से आपने देखा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज किया जाता है. अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज शेयर माई चैनल, लोगों में मेरे चैनल को आप शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, जिससे क्या हो कि मुझे ये करेज मिलेगा कि नहीं मैं अच्छा कर रहा हूँ आप लोगों के लिए. और अपने दोस्तों में जितना ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को फैलाएं और उन्हें जुड़ने के लिए कहें. ये पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस है यहाँ से. और मैं जो यहाँ मेहनत करता हूँ, मुझे लगे कि नहीं लोग इसे देखते हैं और इससे वो क्या एडवांटेज ले रहे हैं और उनके लिए मैं अच्छा काम कर रहा हूँ. सो प्लीज शेयर माई चैनल अमंग योर फ्रेंड्स एंड गिव योर प्रेसियस कमेंट्स विच आई विल
वॉच एंड आफ्टर दैट आई विल डू बेटर फॉर यू, और आपके लिए मैं अच्छा से अच्छा करूं। और इस तरीके से एजुकेशन विथ एंटरटेनमेंट चैनल आपका हमेशा साथ है फॉर टीचिंग यू इंग्लिश। इवन बात करें ब्लॉगिंग की, कभी कभी मैं सिंगिंग भी कर लेता हूँ, इसलिए मेरे चैनल से जुड़े और फुल टू इंजॉयमेंट के साथ आप यहाँ पे सीखें और लोगों को सिखाएं भी, और सारे लोगों से मिल करके इस चैनल को सब्सक्राइब करने कहें। तब तक लिए टेक केयर, गुड बाय।